الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ دنیا میں حق و باطل کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی ہے، مختلف قوموں کے درمیان، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر جنگ، جھگڑا، لڑائی، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا علم جن لوگوں کو ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 70 سال سے زائد سے چل رہا ہے، 1948 سے، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو دیکھیں گے تو وہ سرزمین جہاں نبیوں کی سرزمین ہے، اسی طرح وہ زمین شہداء کے خون سے تر ہے۔ کبھی عیسائیوں کا غلبہ رہا، کبھی یہودیوں کا غلبہ رہا، کبھی مسلمانوں کا غلبہ رہا، اور اس طریقے سے بے شمار انسانوں کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا خون بہا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دوست اور دشمن دونوں کا ذکر کیا ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولادیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے، پرانی ہے۔ یہود بنی اسرائیل ہی یہود کہلاتے ہیں، اور یہودی ہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے،
तो आप ये देखेंगे कि ये कौम निहायत जालिम, निहायत सफाक और इसके दिल में किसी का कोई दर्द नहीं, किसी पर रहम का जज्बा नहीं। ये वो कौम है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात किए जब तक ये अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहे, और जब अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आ गए, नबियों को कत्ल किया इन्होंने, सालिहीन को कत्ल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल का मंसूबा इन लोगों ने बनाया था। तो ये कौम हमेशा ज़ुल्म ज़्यादती करती रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ज़ालिम कौम है। ये इसकी तारीख़ है, इसके दिल में रहम का और रहम का कोई जज्बा नहीं, ये पत्थर से भी ज़्यादा सख्त दिल लोग हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों को पाएंगे, और वो लोग जो मुशरिक हैं, शिर्क करने वाले मुशरिकीन और यहूदियों को आप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन पाएंगे, और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन लोगों को पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, यानी ईसाई। और ये इसलिए कि इनमें उलमा हैं और नेक लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों तबकात का ज़िक्र किया है कि यहूद की बनिस्बत नसारा यानी ईसाई तुमसे ज़्यादा करीब हैं और उन जैसी दुश्मनी तुमसे नहीं रखते हैं। जितने बड़े दुश्मन तुम्हारे यहूदी हैं। यहूदी कौम तकब्बुर का शिकार रही है, आज भी है, इसके ख़मीर में ज़िद है, हर बुरी बात को इख्तियार करने के लिए पहल करते हैं और हर बुराई पर जमे रहते हैं, अड़े रहते हैं। हक़ को जानने के बावजूद भी उसे कबूल नहीं करते हैं, हसद के मरीज हैं। ये वो खूबियां हैं या बुराइयां हैं इस कौम की, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है। क़ुरान मजीद में बनी इसराइल का, यहूद का बड़ा ज़िक्र है, और अल्लाह ताला ने इनकी एक एक बात को खोल कर बयान कर दिया है। कोई चाल, कोई साजिश इनकी छोड़ी नहीं है जिसको बयान ना किया गया हो, इसीलिए ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। सरजमीन बैतुल मुकद्दस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में रहते थे, इराक़ को छोड़कर उन्होंने हिजरत की और सरजमीन बैतुल मुकद्दस में आकर आबाद हुए, वहीं उनका ख़ानदान आबाद हुआ। हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत इस्माईल, ये उनकी औलादें हैं और ये तमाम अंबिया हैं, ऐसी सरजमीन में आबाद हुए। हज़रत इस्माईल को तो उन्होंने ले जाकर मक्के में आबाद किया था, और हज़रत इसहाक़ जो उनके छोटे भाई थे, उनकी कौम और उनकी औलादें इसी सरजमीन फ़लस्तीन पर आबाद हुईं, बैतुल मुक़द्दस में आबाद हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी मिस्र जाने से पहले इसी सरजमीन पर रहते थे। ये तमाम नबियों का क़िबला रहा है, बैतुल मुक़द्दस वो बाबरकत मकाम है, ये जो तमाम अंबिया का क़िबला रहा है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा की है। उसके बाद फिर क़िबले की तहवील का हुक्म आया
तो काबतुल्लाह की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा करके नमाज पढ़ना शुरू की। ये सरजमीन दावत तौहीद का मरकज रही है। इसी मुबारक सरजमीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत से नवाजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहाड़ों और पत्थरों पर भी, यानी उनको पहाड़ों को और पत्थरों को उनका ताबे कर दिया था, परिंदों को उनका ताबे कर दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे, जिसे मुलूकियत कहते हैं। तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम में मुलूकियत अगर शरई उसूलों पर कायम हो और शरई अहकाम का निफाज हो तो मुलूकियत भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, यानी बादशाहत। इसी तरह फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इसी सरज़मीन पर आबाद किया और उनको बादशाहत मिली, ऐसी बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नहीं मिली थी और क़यामत तक किसी को नहीं मिलेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा की तजदीद की, यानी उसकी टाँक मरम्मत कराई और अपनी बादशाहत के शाया निशान उसकी तामीर जदीद की। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हज़रत सुलेमान के बेटे थे वो भी वहीं आबाद रहे। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम वो भी इसी सरज़मीन पर रहे और उसी दौर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस सरज़मीन की ज़ियारत के लिए ले जाए गए, जिसका ज़िक्र मेराज के वाक़े में है। अल्लाह ताला फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की ज़ात पाक है जो अपने बंदे को रातों रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई और जिसके आसपास हमने बरकत रखी हुई है। बारकना हवला, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसके आसपास के इलाके को हमने बाबरकत बना दिया है, इसलिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इलाके में ले गए ताकि उन्हें अपनी कुदरत के नज़ारों को दिखाएं और अपनी कुदरत के बाद नमूने उनको दिखाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। इसी तरह मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को भी वो मकाम हासिल है जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के अलावा किसी और मस्जिद को हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है मुस्लिम बुखारी और मुस्लिम में, फरमाया आपने, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला थलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिल अक्सा व मस्जिदि हाजा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी भी मकाम के लिए सवाब की नियत से, ज़ियारत की नियत से सफ़र मत करो मगर इन तीन मकामात के लिए, मस्जिदुल हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी ये मस्जिद। तो तीन मसाजिद का वो मकाम है सारी दुनिया की मसाजिद में कि जहाँ सवाब के लिए, ज़ियारत की नियत से, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए सफ़र करना जायज़ और दुरुस्त है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 250 नमाजों के बराबर है। सही मुस्तदरक हाकिम में इमाम बयहक़ी ने सही सनद के साथ हदीस बयान की है
और अस्सहीहा में अल्लामा अल्बानी ने उसको सही कहा है। तो 250 नमाजों का अजर है, मस्जिद नबवी में 1000 नमाजों का अजर है और मस्जिदुल हराम में 1,00,000 नमाजों का अजर है। मस्जिद अक्सा के सिलसिले में जो मशहूर है कि 500 नमाजों का अजर है, वो रिवायत सनदन सही नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, फ़लस्तीन की सरजमीन शुहदा के खून से तर रही है। इस्लामी दौर में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वहाँ का सफ़र किया और वहाँ जंग की, जिहाद किया, उसमें बेशुमार सहाबा इकराम की शहादत हुई। 16 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस का सफ़र किया और उसे आज़ाद कराया। इस्लामी फ़ौज के सिपे सालार हज़रत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये इलाका मुसलमानों के हाथ में आया, मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम आया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे फ़तह किया था। सदियों तक मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम रहा। 493 हिजरी में या ईसवी सन के अतबार से 1099 ईसवी में ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्ज़ा किया और तकरीबन तारीख ये बताती है कि 70,000 मुसलमान उसमें शहीद हुए। फिर तकरीबन 75 सालों के बाद, पौन सदी के बाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह ने ईसाइयों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी और इंतहाई खूनरेज जंग हुई। बेशुमार मुसलमान शहीद हुए, यहाँ तक कि 1187 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जिहाद किया था उसके नतीजे में। उसके बाद फिर तातारियों ने इराक़ पर हमला किया, शाम पर हमला किया और इन दोनों मुल्कों पर कब्ज़ा करने के बाद सरजमीन ने फ़िलिस्तीन की तरफ रुख किया। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी जाफिशानी के साथ तातारियों को मुकाबला किया और उनको हराया और फिर तातारी उधर पलट कर नहीं आ पाए। उसके बाद में मिस्र के हुक्मरानों का और उस्मानी तुर्कों का कब्ज़ा सरजमीन बैतुल मुकद्दस पर रहा। ये लोग मुसलमान थे। उस्मानी तुर्कों ने और मिस्र के बाद हुक्मरानों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की, यहाँ तक कि उस मशरिक़ वस्ता में बरतानिया ने बहुत से इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। ये बात 1917 की है जब वहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, बरतानिया वहाँ आ गया और बरतानिया ही ने उस सरजमीन पर यहूदियों को बसाना शुरू किया। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये तारीख़ मुख्तसर बयान कर रहा हूँ लेकिन मालूम होनी चाहिए, हालांकि तारीख़ बड़ी मुफस्सल है, बहुत से वाक़यात हैं जिनको बयान किया जा सकता है लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। तो 1917 में इस इलाके पर बरतानिया का कब्ज़ा हुआ और बरतानिया ही ने वहाँ पर यहूदियों को आबाद करना शुरू किया और 48 तक वहाँ यहूदियों की बड़ी तादाद को लाकर आबाद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती शुरू की और 1948 में इस मुसलमानों की सरजमीन पर, अंबिया की सरजमीन पर यहूदी ममलिकत का के क़याम का ऐलान कर दिया। 48 में इसराइल बना, पूरा यूरोप, अमेरिका सब उसके साथ है। पूरे यूरोप ने उसकी तायीद की, उसे कबूल किया, मंजूर किया
और सरजमीन फ़िलिस्तीन तकसीम हो गई, लेकिन उसके बाद भी इनको सुकून नहीं हुआ और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती करते रहे, उन निहत्ते मुसलमानों पर हथियारों से हमला आवर होते रहे और वो लोग ढेलों से, पत्थरों से, कंकरियों से इनका मुकाबला करते रहे। 48 से लेकर अब तक का अगर हिसाब लगाएंगे तो लाखों मुसलमान उस इलाके में शहीद हुए हैं यहूदियों के हाथों, इसराइली फौज के हाथों। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और बड़ी तकलीफ दे और करबनाक तारीख है। इसराइल ने अपने क़याम के बाद, अब ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये बड़ी गौर व फिक्र की बात है। हम लोग बड़े जज्बाती होते हैं, जज्बाती नारों के पीछे भी लगना शुरू हो जाते हैं, संजीदगी से गौर नहीं करते हालात पर और ख़ुद अपना मुहासबा नहीं करते कि हम कहाँ खड़े हैं, खुद इस मुल्क में हमारी क्या पोजीशन है, हमारी कमियाँ क्या हैं, हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ये सारे सवालात हैं जो हम सब के लिए गौर व फिक्र के हैं। यहूदियों ने, जिनकी तादाद 1 करोड़ भी नहीं है, आज भी 1 करोड़ भी नहीं है, 80-90 लाख की तादाद है, उन लोगों ने तालीम में पहल की, अपनी कौम को पढ़ाया। आज वहाँ 100% लोग तालीम याफ्ता हैं, 100% लोग। फिर टेक्नोलॉजी हासिल की, हथियार बनाए। शुरू शुरू में तो यूरोप के ममालिक ने उन्हें हथियार दिए, बरतानिया ने हथियार दिए, अमेरिका ने दिए, आज भी दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद भी हथियार बनाने शुरू की, हथियारों की फैक्ट्रियां अपने मुल्क में लगा ली। आज वो छोटा सा मुल्क और कलील तरीन आबादी का मुल्क हथियारों का ताजिर है, बिजनेस करता है हथियारों की। हमारे मुल्क में भी वहाँ से हथियार आते हैं और हथियारों की ख़रीदारी इसराइल से होती है। तो मेरे भाइयों, ये कैसे किया? हमारे 58 मुल्क हैं दुनिया में और ये छोटा सा इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है, लेकिन जो हथियार आज इसराइल के पास हैं वो किसी मुस्लिम मुल्क के पास नहीं। हालांकि कुछ ताकतवर ममालिक भी हैं, तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है, ये सब ताकतवर ममालिक हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल के पास है वो किसी के पास नहीं है। और इसी बुनियाद पर वो मार रहा है और इसी बुनियाद पर वो जंगें जीत रहा है। अरबों से कई जंगें उसकी हुई हैं, सब में वो कामयाब हुआ और बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करता चला गया। तो ये सूरत हाल है। अब हम अपने मुल्क में नारे लगाएं, जलसे करें, जुलूस करें, बयानात दें, क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता इससे। दुआए कुनूत पढ़ें, हमारे यहाँ तो इस पर बहस हो रही है कि दुआए कुनूत पढ़ी जाए कि ना पढ़ी जाए, और लोग व्हाट्सएप पर इस पर मजामीन लिख रहे हैं, इस पर बहस हो रही है मौलवियों के दरमियान कि कुनूत नाजिला पढ़ें कि ना पढ़ें। हम तो अभी इसी में अटके हुए हैं और वो अपना काम कर रहा है, और हम कर भी क्या सकते हैं? सदा दुआओं के अलावा, और हमारी दुआओं का हाल क्या है हम में से हर आदमी जानता है, हमारी दुआएं किस हद तक अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं और नहीं होती हैं ये सब हमें मालूम है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि हमारी बदअमालियों की वजह से और हमारी बदकिरदारियों की वजह से हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो मेरे भाइयों, हम नारों से मुकाबला करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप पर बड़ा अजीबोगरीब मसला है, ये यूट्यूब पर पोस्ट आती है बड़ी जज्बाती अंदाज की, मुबारक हो, मुबारक हो,
ईरान ने अपने सारे टैंक लगा दिए हैं, हवाई जहाज भेज दिए हैं, अब हमला होने वाला है। तुर्की ने अपनी फौजें सरहद पे लगा दी हैं। अरे भाई कहाँ किसने लगाई हैं, हकीकत तो जानो, ये प्रोपेगंडा क्यों करते हो, झूठ क्यों फैलाते हो, लगाई हैं तो फिर मुकाबला करें ना। लेकिन कोई नहीं, बयानबाजी से आगे कुछ नहीं। और यहाँ हमारे नौजवान, जब हमला हुआ, हमास एक तंजीम है वहाँ, हमास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, उसके नज़रियात से हमें मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक तो नहीं है। उसने जब हमला किया 7 अक्टूबर को, अब 13 दिन हो रहे हैं, बहुत बहुत परेशानी में हैं वहाँ के मुसलमान, ख़ासतौर पर गज़ा के मुसलमान। वो तकलीफ़ और वो परेशानी हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते जिस परेशानी के आलम में वो कौम है। हमला कर दिया, 500 मिसाइल दाग दिए, नतीजा क्या, उस दिन हमारे नौजवान बहुत उछल रहे थे, नारे लगा रहे थे, बस जी बस अब तो ये हो गया और वो हो गया और ऐसा। मेरे भाइयों, इससे बचो, ये सब सही नहीं है। दानिश्वरों ने कहा है कि आपके अंदर दुश्मन के मुकाबले की ताकत नहीं है तो फिर आप जंग शुरू ना करें, ये दानिश्वरों का कौल है दुनिया के, और निहायत माकूल कौल है कि आपके अंदर अगर ताकत नहीं है तो आप जंग शुरू ना करें। और कुरान मजीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 82, उसको भी आप पढ़ लें, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ। अल्लाह ने हुक्म दिया मुसलमानों को, तैयारी करो उनके मुकाबले के लिए, तैयारी करो। ये तैयारी का क्या माना है, जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक हथियारों हथियार बनाओ, हथियार इकट्ठा करो। ये काम तो मुस्लिम ममालिक नहीं कर रहे हैं, कोई मुस्लिम तंजीम जो वहां पर काम कर रही है नहीं कर रहे हैं। وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, قوت بھر طاقت بھر تیاری کرو, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر جنگ ہوتی تھی, آج گھوڑوں کی جگہ یہ ٹینک ہیں, ہوائی جہاز ہیں, جدید ہتھیار ہیں۔ جب تک آپ کے پاس دشمن کے مقابلے کے لیے اس سے طاقتور یا اس جیسے ہتھیار نہ ہوں تو آپ کیسے اس پر حملہ کریں گے, حملہ کریں گے تو نقصان ہی ہوگا, نقصان ہو رہا ہے۔ میری اس بات سے کوئی آدمی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں فلسطین کی تنظیم کی یا حماس کی مخالفت کر رہا ہوں, لیکن اس تنظیم کی تاریخ آپ پڑھ لیں تو یہی اس کا کام ہے, سال میں ڈیڑھ سال میں 1-2 میزائل داغ دیے اسرائیل کی طرف, 2-4 ان کے آدمی مر گئے, وہ سینکڑوں آدمی مار دیتے اور پھر یہ خاموش بیٹھ جاتے, اور اب بھی یہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں, ہمیں حقائق کو جاننا چاہیے, سچائی کو جاننا چاہیے, اور جب تک ہم میں طاقت و قوت نہ ہو تو ہمیں جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے۔ مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے, مذاکرات سے حل کرنا چاہیے, سفارتی ذرائع سے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اب آج ایک نعرہ لگتا ہے کہ صاحب اسرائیل کی مصنوعات کا, یعنی ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو, بڑا اچھا نعرہ ہے اور بڑے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایک عورت کی پوسٹ آ رہی ہے آج کل, آپ کے پاس بھی آئی ہوگی یوٹیوب پر, وہ ایک مال میں کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی میں یہ بھی نہیں لے رہی, یہ بھی نہیں لے رہی, سامان کہتی یہ نہیں لے رہی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ان کے پروڈکٹس کتنے ہیں۔ آپ اور میں صبح کو جب اٹھتے ہیں نماز فجر سے پہلے, اس وقت سے لے کر اور سونے تک دن بھر میں جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں اکثر ان کے پروڈکٹس ہیں۔ یہ کولگیٹ کیا ہے, یہ انہی کا بنایا ہوا ہے جس سے ہم صبح کو اپنے دانت مانجتے ہیں, لکس صابن انہی کا ہے جس سے ہم نہاتے ہیں, نیویا کی کریم کس کی ہے جس کو ہم چہرے پہ لگاتے ہیں,
और फिर जीन्स पैंटें लिविस की और पोलो फोलो पोलो या क्या है उसकी शर्ट वो हम पहनते हैं, जैकी के मोजे हम पहन रहे हैं, तो कौन सी चीज है ये पिज्जा हट और ये जनाब नूडल्स और ये फला और फला, ये सारे तो वहीं से आए हैं, सब उन्हीं की इजादात है, और ये हजरत मोबाइल ये उन्हीं की इजाद है। किसका बायकॉट करोगे? फेंकोगे मोबाइल सारे? करो बायकॉट, फेंक दो सारे लोग मोबाइल, ये मुमकिन नहीं है। उसने इतना सामान बना दिया है कि कोई बायकॉट करे तो करे, वो मुमकिन नहीं है। आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं एचपी का, वो उन्हीं का इजाद करता है। तो गर्ज ये है कि आला तरीन टेक्नोलॉजी उनके पास है और हर सामान बनाने की फैक्ट्रियां उन्होंने अपने मुल्क में लगाई हैं। हमने क्या किया? मुस्लिम ममालिक में कितना सामान बनता है सोचें जरा। तो बायकॉट का नारा तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या इस पर अमल हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। आज घर घर में बच्चा पिज्जा और जनाब क्या क्या चीजें हैं वो मैगी नूडल्स बच्चे खा रहे हैं, खाना नहीं खाते घर का बना हुआ, और ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। जिनके यहाँ अच्छी खासी वसत है, पैसा है, दौलत है, वो यही कर रहे हैं, उनके बच्चों का हाल यही है आमतौर पर। तो कहाँ से जान छुड़ाएंगे आप? इसलिए मेरे भाइयों, अगर मुकाबला करना है तो मुसलमानों को क्या करना है? बायकॉट करने के बजाय मुसलमान वो सारी चीजें खुद बनाएं, तब बायकॉट होगा। उनसे ज्यादा तादाद में बनाएं। और किसी ने कहा है कि अगर किसी शख्स ने इतनी बड़ी लकीर खींची हुई है, इतना बड़ा है वो, उसका मुकाबला आपको करना है, इससे बड़ी लकीर आप खींच दें। जितनी ये बैत है, इतनी लकीर पर कोई आदमी काम कर रहा है और आपको उसका मुकाबला करना है, इससे बड़ी लकीर आप खींच दीजिए, तब मुकाबला होगा। ये खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं बद्र, उहद, खंदक, तो मेरे भाइयों बद्र में 313 हमला करने नहीं गए थे, अपना डिफेंस करने के लिए निकले थे, और उनके ईमान और उनके अकीदे का क्या कहना, और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आपकी दुआएं थी। मैदान अमल में निकल कर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं की। तो खाली दुआओं से कुछ नहीं होगा, अमल से बनता है काम। दुआओं के साथ अमल भी हो, कुछ तो करें हम लोग। और यहां हम इस मुल्क में अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो दे लें, अच्छे स्कूल कायम कर लें, अच्छे कॉलेज बना लें, ये काम करने को हम तैयार नहीं हैं। हवाई जहाज में 100-150 आदमियों की बारात तो हम ले जा रहे हैं, वो दिल्ली से हवाई जहाज पूना जा रहा, अभी खबर आई अखबारों में, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, बारात लेकर गया है एक आदमी, एक मुसलमान, उतना खर्चा बचा ले तो प्राइमरी स्कूल कायम हो जाएगा, एक अच्छा मकतब कायम हो जाएगा। ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। फजूल पैसा जहां नामवरी हो वहां बहा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, हालात को समझो और गौर करो। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल सबसे बड़ा जालिम है दुनिया में इस वक्त, और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए हम दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए और उनके हालात को सुधार दे, उनके हालात को बेहतर कर दे। इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुसलमान गमजदा है, नहायत तकलीफ दे सूरत हाल है। जब खबरें सुनते हैं, खबरें भी कहाँ से आ रही हैं, खबरों के जो जराए हैं उन पर भी यहूदियों का कब्जा है। आप कहाँ कहाँ देखेंगे, खबर रसा एजेंसियां भी उनके ताबे हैं, वो जो चाहेंगे वो खबर निकलेगी, इतना कंट्रोल है दुनिया पर उनका। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उस कौम का मुकाबला करना है तो हम उससे बड़ी इजादात करें, उससे बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल करें, उससे ज्यादा तालीम हासिल करें। साइंस की इजादात तो मुसलमानों के बड़ों ने की थी, हमने सब भुला दिया, सब भुला दिया।
अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए और फिलिस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फास्तग़फिरूहु इन्नहू काना गफ्फारा।